श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तो कौंतेय वैराग्येण च्रह्यते नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है गीता के छठे अध्याय का पैंतीसवां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले असंशयम महाबाहो अर्थात निसंदेह ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अर्थात मन के चलने को नियंत्रित करना दुष्कर है अभ्यास न तो कौन्तेय अर्थात अभ्यास द्वारा किंतु हे कौन्तेय वैराग्येन ग्रह्यते अर्थात और वैराग्य द्वारा ग्रहण किया जा सकता है तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन ने जो पिछले दो श्लोकों में कहा उसी को लेकर कहते हैं कि जो तुमने कहा वो ठीक है निश्चित ही जो मन की चलने की गति है उसको नियंत्रित करना बहुत ही दुष्कर है बहुत ही कठिन होता है मन को नियंत्रित करना किंतु अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप ये जो ये बता रहे हो योग के बारे में इसको मैं नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मेरा जो मन है वो सदा ही चलायमान रहता है और इस चलायमान मन के कारण मैं योग को देख ही नहीं पाता हूँ तो उसी को लेकर के यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो ठीक है कि जो मन है वो सदा चलायमान रहता है और इसको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है किंतु तुम यदि अभ्यास करोगे और तुम यदि वैराग्य के साथ अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण कह रहे हैं इसको हम जो पतंजलि योग सूत्र है उसके द्वारा भी समझ सकते हैं कि कैसे पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने यम और नियम को धारणा और ध्यान से पहले रखा है तो होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि हमें यदि योग प्राप्त करना है तो हमें ध्यान करना चाहिए और यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हम यदि ध्यान कर लेंगे तो हम योग को प्राप्त कर लेंगे किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है ये जो ध्यान करने की प्रक्रिया है ये कोई औषधि नहीं है जिसको कि आप केवल ऐसे ही उसका ग्रहण कर लें और फिर जो है उसके द्वारा आपको उसका फल मिल जाएगा यानी ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई औषधि लेते हैं तो आपका जो रोग होता है वो थोड़े समय के लिए उसका निवारण हो जाता है उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि यदि आप ध्यान करेंगे तो आपको ऐसे कोई आपका मन जो है वो तुरंत शांत हो जाएगा ऐसा होता नहीं है वास्तव में यदि आपको अपने मन को शांत करना है तो आपको बहुत से और कार्य अपने जीवन में करने पड़ते हैं तो जैसे यदि आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए तो उस स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन करना होगा ठीक उसी प्रकार से यदि आपको एक स्वस्थ मन चाहिए तो उस स्वस्थ मन को प्राप्त करने के लिए भी आपको अपनी संपूर्ण जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा तो यही यहाँ पर जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो वास्तव में यही जीवन शैली में परिवर्तन है कि आप केवल ये सोचो कि आप जो हो केवल ज्ञान ऐसे ही प्राप्त करके सुन करके या आप केवल ध्यान लगा करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो ऐसा है नहीं आपको अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करना होगा और अपने जीवन को एक वैराग्य के रूप में जीना होगा आपको अपने जीवन में ये सब कुछ त्याग देना होगा और त्याग करके केवल ईश्वर को में ही आश्रय प्राप्त करना होगा और ये प्राप्त करने के लिए भी आपको बहुत सारा अभ्यास करने की आवश्यकता होगी तो जैसे यम और नियम के बारे में पतंजलि योग में उन्होंने कहा है तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में एक नैतिकता भरा नैतिकता भरा जो मूल्य होते हैं उनको ग्रहण करके अपने जीवन में सभी कार्यों को नैतिकता के द्वारा करना होगा जहाँ पर कि हम चोरी ना करें हम सत्य बोलें सदा और हम सभी के कल्याण की कामना करें ना कि अपने स्वार्थ के बारे में सोचें तो इस प्रकार का जीवन हमें व्यतीत करना होगा और उसी के साथ में हमें अपने जीवन में जो अनुशासन है उसको भी लेकर आना होगा जहाँ पर कि हम प्रातः शीघ्र उठ जाया करें शीघ्र उठ करके हम ध्यान करें हम शास्त्रों का पाठ करें और जो हमारे जीवन में अन्य अनुष्ठान हैं उनको हम नियमित रूप से करें अनुशासित होकर के तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को जियेंगे जहाँ पर कि हम नैतिकता के साथ में जी रहे हैं और एक अभ्यास ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर कि हम अपने जीवन में अनुशासन को विकसित कर रहे हैं तभी हमारा मन उस स्तर तक पहुंच पाएगा जहां पर कि हम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो पाएंगे केवल ये कह देना कि मैं ध्यान कर लूँगा ऐसे ही और मैं अपने मन को नियंत्रित कर लूँगा या केवल ये कह देना कि मैं केवल सत्संग को सुन करके या केवल अपने जो मेरे ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके अपने मन को नियंत्रित कर लूँगा तो ऐसा होता नहीं है हमें अपने जीवन में बहुत सारे और कार्य भी करने होते हैं जहाँ पर कि हमें अभ्यास भी करना होता है और हमें वैराग्य के साथ जीवन जीना भी होता है जहाँ पर कि हमें निरंतर इन का जो पालन है वो हमें करना होता है तभी हम वास्तव में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोली कि निश्चित ही मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है किंतु निरंतर अभ्यास से और निरंतर वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं नमस्ते वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएँ यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव क्यू एन ए सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जय श्री कृष्ण